पैसे कमाने के लिए चले, बहुत ज्यादा इधर गए उधर गए, लेकिन किसी ने उनको कोई काम नहीं दिया। उनको दोनों लोग बेचारे थक हार के एक जगह बैठ गए, बैठ गए आपस में बात करने लगे, बताओ अब क्या करें, हमें कोई पैसे नहीं दे रहा, काम नहीं दे रहा, हम कैसे अपनी जिंदगी चलाएंगे। तो एक जमींदार था, उसने उन लोगों की बातों को सुन लिया। तो उसने क्या किया, थोड़े थोड़े रुपए दोनों लोग को दिए और कहा देखो ये हम तुम्हें रुपए दे रहे हैं, तुम जाओ और इनसे अपना काम करो, काम शुरू कर दो और पैसे कमाओ। भाई दोनों बड़े खुश हुए। जब जमींदार चला गया तो उसने क्या किया, दोनों ने खूब बातें करी। एक बोला अरे भैया अब आपको पैसे मिल गए, हम जा रहे घूमने फिरने, खूब मजे करेंगे उससे। आधी तो जैसे हंस रहे हैं, पैसे मिल गए मजे करेंगे, तो खूब मजे करेंगे जाके। दूसरा बोला नहीं भैया हम नहीं मजे करेंगे, हम जा रहे हैं हम इससे कुछ व्यवसाय करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने सब्जी की दुकान छोटी सी खोली, धीरे धीरे खूब मेहनत करता रहा और वो दुकान जो है धीरे धीरे खूब फेमस हो गई, खूब उसमें मुनाफा भी होने लगा। और जो दूसरा दोस्त था जिसने क्या किया, पैसे अपने मिले और चला चाट की दुकान पे, खूब चाट खाई, खूब जम गया, खूब घूमा दिल्ली कलकत्ता बम्बई, खूब घूम लिया वो और सारे पैसे उसने कर दिए खत्म। जब वो लौटा अपने दोस्त के पास, फिर से उसने सोचा कि चले भाई अपने घर। जब लौट के आया अपने गांव तो देखा जो उसका दोस्त था वो तो उसकी दुकान भी खूब बढ़िया हो गई है, खूब उसके ग्राहक भी खूब आ रहे हैं और खूब पैसे वो कमा रहा है, खूब मेहनत करी उसने खूब कमाया। तो कहने लगा कि जो है यार तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए धीरे धीरे और हमने तो सब पैसे हमारे तो चले गए। तो उसने कहा तुमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, पैसों को खत्म कर दिया और हमने क्या किया, हमने उसका व्यवसाय किया और हम आगे निकल गए। तो उसने कहा ऐसा करो थोड़े रुपए हमको दे दो तो हम भी दुकान खोल लें। तो उसने कहा नहीं हम तुमको एक पैसा नहीं देंगे। तो वो भी फिर से जमींदार के पास गया, जमींदार से बोला कि जो है हमें कुछ रुपए दे दीजिए, हम भी व्यवसाय करना चाहते हैं। तो जमींदार ने कहा तुमको भी हमने दिए थे और इसको भी दिए थे और इसने तो अपनी दुकान खोल ली, खुद जो है आज देखो कितना मुनाफा हो रहा है। तो उसने भी कसम खाई कि अब हम भी दुकान खोलेंगे और हम भी मुनाफा कमाएंगे। तो उसने भी दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद दुकान उसकी भी चली और उसका भी फायदा होने लगा, यानी दोनों लोग अच्छे से रहने लगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बिना मेहनत किए उसकी दुकान चली थी नहीं चली थी ना, तो हमें मेहनत करनी होगी ना तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। जब मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कहा कही गई है लाइन कि 100 बार चींटी दीवार पर चढ़ती है और चढ़ती तभी चढ़ पाती जब 100 बार मेहनत करती है ना। अगर कोई इंसान में थोड़ी गलती है भी तो अगर वो सुधार ले तो आगे बढ़ सकता है, आगे मेहनत कर सकता है। जैसे उसके दोस्त ने किया, पहले तो उसने पैसे खत्म कर दिए थे लेकिन बाद में उसको जब दोबारा मिले तो उसने मेहनत की और अपने आगे अपने रोजगार को बढ़ाया।